नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। यमुनानगर में दलित छात्रा के साथ स्कूल में के ही एक टीचर ने छेड़छाड़ की व मारपीट की, जिसकी वजह से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पल पल यमुनानगर से सुशील पंडित की विशेष रिपोर्ट। यमुनानगर में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल के ही एक अध्यापक द्वारा अश्लील हरकतें करने और जाति सूचक शब्द कहे जाने का मामला सामने आया है। यह आरोप है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के माता पिता का, छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी क्लास के टीचर ने ही कई बार उसके साथ अश्लील हरकतें की। सोमवार के बच्चे ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। वे स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उनकी कोई बात स्कूल के द्वारा नहीं सुनी गई, हालांकि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। वहीं इस मामले के चलते परिजनों के साथ आए हुए लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला कर दिया, जिसके कारण स्कूल के प्रिंसिपल को काफी चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। वही मामले के दूसरे पहलू की तरफ ध्यान करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला कर घायल करने के चलते परिजनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। क्या धमकी दी है? ऊपर तक पहुंचाना, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारी डीजीपी तक, एसएचओ एसपी तक हमारी पहुंचाना, तुम गार्ड नहीं सकेगा। तुम नीच लोग हो, तुम हमारे कुछ नहीं कर सकते। वो धमकी दे रहे हैं जी। हमने तो एफआईआर की मांग है हमारी, हमने एफआईआर दी, उसको गिरफ्तार। गुड़िया है, उसके पेरेंट्स ने हमें कंप्लेंट दी है भी हमारी गुड़िया के साथ स्कूल में टीचर ने छेड़खानी की है और उसको पीटा है। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर काम। प्रिंसिपल की भी पिटाई की गई है? हाँ, ये भी पता लगे प्रिंसिपल की भी उन्होंने आई है, लेकिन प्रिंसिपल की अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। पता लगे अभी ऐसे ऐसे, अगर प्रिंसिपल कोई कंप्लेंट देगी जो भी होगा वो तफ्तीश में देखा जाएगा। एस सी एस टी एक्ट, पोस्टो एक्ट। सर अध्यापक कहाँ पे है? अध्यापक अभी फरार है।